Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीक स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने बताया है ठीक कि अगर आप लोग हमारा साथ देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तब लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम आज से जो फिजिक्स है उधर हमारा प्रकाश यूनिट चल ही रहा है क्लास ट्वेल्थ का, और यहाँ पे हम क्लास ट्वेल्थ की ही फर्स्ट पेपर का जो है बताएंगे। आप देख रहे होंगे ऊपर या थंबनेल में भी आप देख चुके होंगे, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, ये आपका पहला चैप्टर है फिजिक्स फर्स्ट पेपर में। पहला चैप्टर आपका यही है ठीक। हमने बताया है कि आपको मैं ऐसा नहीं है कि मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, जो जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वही वही टॉपिक मैं कराऊंगा। तो आज जो आपका चैप्टर है वो है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए इसमें ये आपके सिलेबस में इतना टॉपिक है, वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, दो बिंदुओं के बीच बल, बहुल आवेशों के बीच बल, बहुल का मतलब एक से अधिक आवेशों के बीच लगने वाला बल, अध्यारोपण सिद्धांत तथा सतत आवेश वितरण, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर इसी को कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आप, ये इतना आपके सिलेबस में है। अब देख लीजिए जो है जो कराऊंगा मैं आपको जो है वैद्युत आवेश कराया जाएगा, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, दो बिंदुओं के बीच बल लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र और एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो आपका केवल दो टॉपिक इसमें छोड़ा जाएगा, बाकी सारे टॉपिक कराए जाएंगे, और इस चैप्टर के बाकी सारे टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक। तो हम जो है ये जो क्लास चलेगी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, जो परीक्षा में पूछा जाता है उसी पर आधारित आपकी क्लास चलेगी, फालतू में कुछ भी यहां नहीं बताया जाएगा। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आती है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको जो है यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक रहेगा वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश का संरक्षण और कूलाम का नियम। आज हम लोग तीन टॉपिक पढ़ेंगे, आज के वीडियो में हमारा तीन टॉपिक होगा। सबसे पहले समझिए वैद्युत आवेश। देखिए आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ कि एक वैज्ञानिक थे जो जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो वो देखते हैं कि जो वो छड़ थी ना वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी ठीक। तो उन्होंने जो है इससे सोचा कि आखिर ये जो छड़ है वो काहे लिए आकर्षित कर रही है। तो उससे ये पता चला कि जो छड़ है हमारी उस पर कोई चार्ज आ गया, कोई आवेश आ गया। तो इसका मतलब कि जब उस पर कोई आवेश आ गया, कोई चार्ज आ गया, तो वही चार्ज जो है और वही चार्ज आवेश कहलाया, और वो जो का मतलब पार्टिकल था जो हमारी क्षण थी वो क्षण हमारी वैद्युत वैद्युतमय क्षण कहलाए। होता क्या है प्रयोग के द्वारा अगर समझें तो आप जो पेन लिए हैं उसको बाद में रगड़िए, रगड़ने के बाद मिट्टी के संपर्क में लेके आइए तो आप जब देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे कण उपस्थित हो जाएंगे ठीक। तो इसमें जो है अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश लिखिए कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक
2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक ने यह देखा। हमने लिख दिया है ताकि टाइम ना लगे, आप लोग सिर्फ समझ लीजिए बस। आज से 2500 वर्ष पूर्व यूनान के वैज्ञानिक ने यह देखा कि जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं या फिर अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है, जो चीज देखा हमने अंबर नामक पदार्थ को ऊन से और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उस छड़ पर एक गुड़ उत्पन्न हो जाता है और यह गुड़ जो है आवेश कहलाता है तथा वह छड़ जो है आवेशित छड़ कहलाती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये था हमारा, क्या था कि 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक ने यह देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है या फिर आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उस छड़ में दूसरे पदार्थों को छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है और यह गुण आवेश कहलाता है, ठीक। और वह छड़ जो है आवेशित छड़ कहलाती है, ठीक। तो ये है हमारा आवेश की परिभाषा। इसके बाद देखिए आवेश का संरक्षण पढ़ेंगे। सॉरी, आवेश के संरक्षण में क्या पढ़ेंगे भाई? आवेश का संरक्षण। देखिए संरक्षण का मतलब क्या होगा? संरक्षण का मतलब हुआ कि किसी को किसी की रक्षा करना, मतलब कि उसको खत्म होने से बचाना। तो अब यहां पे लिखा है आवेश का संरक्षण, मतलब कि आवेश को खत्म होने से बचाना या फिर उसमें कोई परिवर्तन ना आना, यही हमारा संरक्षण है। मतलब कि अगर हमारे पास एक रुपए है तो वो एक रुपए हमेशा बना रहे तो उसे संरक्षण कहेंगे। तो जैसे आवेश का संरक्षण क्या हुआ कि आवेश का संरक्षण का मतलब जैसे हमने ऊर्जा का संरक्षण में पढ़ा था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ये हमने ऊर्जा में पढ़ा था ऊर्जा के संरक्षण में। और जब हम इसमें पढ़ेंगे आवेश के संरक्षण में तो वही जहां ऊर्जा है वही आवेश हो जाएगी, मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन इसको बदला नहीं जाएगा, आवेश को बदला नहीं जाएगा। आवेश में क्या होगा कि आवेश आवेश में क्या लिखेंगे हम कि वैद्युत आवेश को वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, ठीक। अतः इसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए हमने क्या बताया कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः होता क्या है कि जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं या फिर अंबर के पदार्थ को हम ऊन से रगड़ते हैं तो होता क्या है कि एक पे जैसे अगर हम मान लीजिए ये अंबर की खाल हो, मतलब कि ये आपकी जो है अंबर की छाल हो गई और ये आपकी ऊन हो गई, तो जब हम इसको रगड़ते हैं तो होता क्या है कि एक पे आपका धन आवेशित आ जाता है, एक पे आपका ऋण आवेशित आ जाता है। जब हम ऐसे रखे थे तब इसमें कुछ नहीं था, शून्य था ना, आवेश क्या था, शून्य था। जब हम इसको रगड़े तो इसमें कुछ आवेश उत्पन्न हुआ, जो इसमें उत्पन्न हुआ वही इसमें भी उत्पन्न हुआ। दोनों में अंतर क्या था कि एक में धन उत्पन्न हुआ धन आवेश
और एक में विरागेश उत्पन्न हुआ। लेकिन अगर भाई दोनों को हम जोड़ दें तो दोनों का मान क्या आएगा बताइए, जीरो आएगा ना, मतलब शुरू में भी जीरो था और बाद में भी जीरो है। तो यहीं पे लिखेंगे अतः के बाद लिखेंगे कि जब हम आबनोस की क्षण को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं या फिर अंबर की लकड़ी को या अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं तो उसमें एक एक क्षण में धन आवेशित और एक क्षण ऋण आवेशित हो जाती है, या फिर आबनोस की क्षण हमारी धन आवेशित और बिल्ली की खाल ऋण आवेशित हो जाती है। तो जितना आवेश हमारा आबनोस की क्षण पर आता है उसी के विपरीत उतना ही आवेश हमारा बिल्ली की खाल पर भी आता है। जब हम इसका योग करते हैं तो हमें शून्य मिलता है, अतः यह पता चलता है कि आवेश का संरक्षण यहाँ पे लागू होता है, मतलब आवेश संरक्षण का नियम यही कहलाता है। ठीक, तो ये था आपका आवेश संरक्षण का नियम। ये दोनों चीज कभी परीक्षा में पूछी नहीं जाती है, इसमें आप लोग परेशान मत होइएगा, बस एक भूमिका बना रहा हूं कि क्या आवेश क्या है और आवेश के संरक्षण का नियम क्या है। ठीक, तो केवल यही आप याद रखिएगा जो मैंने लिखा। तो अब जो मेन टॉपिक है हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा कूलाम का नियम। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम जो है वो लगता है दो कणों के बीच में या दो पदार्थों के बीच में या दो आवेशों के बीच में। मान लीजिए इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है और इनके बीच की दूरी R है। क्या है? तो कूलाम का नियम कहता क्या है पहले समझिएगा कि इन्हीं दो पिंडों के बीच, भाई अगर दो पिंड हैं कोई मान लीजिए एक ही दो है, तो या तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। भाई यही दो चीज तो कर सकते हैं। अगर कोई दो व्यक्ति है तो या तो वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे को आकर्षित करेगा या तो वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे आवेश की बात हो रही है तो कोई भी दो आवेश, भाई आवेश तो हमको पता है कि एक धन आवेश होता है एक ऋण आवेश होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो है दो आवेश है हमारे पास तो दो आवेश क्या हो सकते हैं, या तो दोनों धन आवेश हो सकता है या तो दोनों ऋण आवेश हो सकता है या तो एक धन आवेश एक ऋण आवेश, यही तीन कंडीशन बनती है हमारे पास। तो अगर दोनों धन आवेश होगा तो चूंकि हमको पता है कि समान चीज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है मतलब दोनों के बीच में दूर हटाने वाला बल लगेगा। उसी तरह अगर दोनों ऋण आवेश है तो इसका मतलब ये भी दोनों समान है मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे, लेकिन अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो हम समझ लिए कि किसी भी पदार्थ में या किसी भी दो आवेश में सिर्फ दो प्रकार के बल लग सकते हैं, एक आकर्षण बल लग सकता है एक प्रतिकर्षण बल लग सकता है, यही दो बल लग सकता है। तो चलिए हम समझते हैं कूलाम ने क्या कहा। कूलाम ने कहा कि किन्हीं दो पिंडों के बीच इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है आपका कूलाम का नियम। हमने क्या बताया समझिएगा, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए हम समझते हैं, परिभाषा लिखते हैं कि आवेश, कूलाम ने क्या बताया कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक, उनके आवेशों के
गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही कूलाम का नियम है। ठीक, क्या बताया इन्होंने कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही जो है कूलाम का नियम है। ठीक, तो ये बताया कूलाम ने, सबको नियम समझ में आ गया होगा। इसका डेरिवेशन जब करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना, डेरिवेशन कैसे करेंगे समझिए, माना दो पिंड, मान लीजिए कुछ भी ए और बी, ए और बी है, माना दो पिंड ए और बी हैं, जिन पर क्रमशः क्यू वन व क्यू टू आवेश है, जिस पर क्रमशः क्यू वन और क्यू टू आवेश है। ये दोनों पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। ये दोनों पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। जो मैंने इसमें बनाया है वही चीज हमने लिख दी है कि दो पिंड है a और b, जिस पर आवेश q1 q2 है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी r है। इसके बाद हम लिखेंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या कहता है समझिए, कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि हमको पता है कि बल का मतलब यह आकर्षण बल यानी कि यह उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। हम देख रहे हैं कि आवेश है q1 और q2, तो गुणनफल मतलब q1 into q2, और आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब यह अनुक्रमानुपाती q1 q2। ठीक, कोई समस्या? आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब यफ और किसके बीच की दूरी यानी कि आर, तो यहां पे नहीं लिखेगा, यहां पे लिख दे रहा हूं, यफ अनुक्रमानुपाती वन अपान आर स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण एक, ये हो गया आपका समीकरण दो। जो मैंने कहा वही चीज लिखा कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वन अपान आर स्क्वायर। और मैंने कहा उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात या अनुक्रमानुपाती क्यू वन क्यू टू। अब देखिए समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा बताइए, समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक और दो से यह अनुक्रमानुपाती q1 q2 अपान r स्क्वायर। ठीक, जब भी कहीं अनुक्रमानुपाती नियतांक घटता है तो वहां पे हम कुछ ना कुछ जरूर लिखते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, f बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 अपान r स्क्वायर। अब यही आपका जो है, यही आपका कूलाम का नियम है। इसमें देखिए यहां पर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की एक नियतांक है, एक नियतांक है जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है
इसका मान 9 × 10⁻⁹ होता है। ठीक, जहां पर हमने बता दिया कि हमारा जो है 1/4 πε₀ जो है अनुपमानुपाती नियतांक है और इसका मान क्या होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। ठीक, और देखिए ये है, यही आपका कूलाम का नियम है, ऐसे ही पूरा हमको सॉल्व करना रहता है। अब यहाँ पे एक लाइन और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तथा के परावैद्युतांक है। ठीक, के जो है परावैद्युतांक है, धातुओं के लिए के का मान 1 से अधिक होता है, कभी कभी पूछ लेता है, फिर लिख लीजिए धातुओं के लिए, धातुओं के लिए के का मान सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक, अधिक होता है, धातुओं के लिए के का मान सदैव 1 से अधिक होता है और परावैद्युत पदार्थों के लिए के का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये था हमारा कूलाम का नियम। एक चीज हमने नहीं बताई जो कि कूलाम की परिभाषा है, तो उसको आप लोग इसके बाद देख लीजिए। तो ये हमारा कूलाम का नियम था, समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जब भी आप वीडियो देखिएगा, कमेंट करने से ये होता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो मैं आपको जो है जितने टॉपिक थे सारे टॉपिक में बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सारे टॉपिक आपका कवर कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। तो आगे चलिए हम एक आखिरी परिभाषा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारी है क्या, हमारी एक परिभाषा रहेगी कूलाम। क्या रहेगी? कूलाम का मतलब क्या हो भाई? आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। हमको पता है क्या होता है, Q = IT होता है नहीं? Q मतलब आवेश बराबर IT मतलब धारा इंटू समय, धारा इंटू समय, और ये क्या हो जाएगा? आवेश। तो आप बताइए अगर हम इसका मान 1 रखें और इसका मान 1 रखें तो हमारा आवेश क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहीं से परिभाषा बनेगी, क्या बनेगी, आप लोग केवल लिख लीजिए एक लाइन बस। ठीक, लिख लीजिए कि जब 1 एम्पियर, चूंकि धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, तो जब 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, परिभाषा आप क्या लिखेंगे, लिख लीजिए कि जब किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा 1 कूलाम होती है। तब उस चालक में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा 1 कूलाम होती है। ठीक, तो ये जो है पहले सूत्र लिख लीजिएगा, सूत्र लिखने के बाद वो परिभाषा आप लिख लीजिएगा, एक अलग से कॉपी बनाइए, उसमें जो जो टॉपिक मैं बताऊं वो टॉपिक आप लिखते जाइएगा और बोर्ड एग्जाम के समय में उसका केवल रिवाइज कर लीजिएगा बस। ठीक, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसके आगे जो है हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हेलो मुकेश, पंकज, दिनेश, सुनील, सुधीर, आप सभी लोग जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो हाँ मुकेश सर, समझ में आ गया? ठीक है, आप लोग बताइए कि समझ में आया कि नहीं। तो ये था हमारा टॉपिक, अगला टॉपिक जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।